हाय गाइस ट्वेंटी फाइव अपडेट बता देती हूँ ये उनके लिए है जिनकी इनर यूनियन हो चुकी है वी uh, एनर्जी में आ चुके हो इट्स यू वर्सेस यू हीलिंग साइकिल क्लोज हो चुकी है पॉजिटिविटी हैतीम कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस ब्रेन दोनों में पॉजिटिविटी लाइए हाई फ्रीक्वेंसी आउटार बॉडी एक्टिवेट कर दी गई है डी एम टाइम कर रहे हैं फिजिकल रीम पर डी एन अपग्रेड किया गया है इनर यूनियन कंप्लीट हो चुका है सोल मोर्जिंग हुई है कंप्लीट हो चुकी है फाइव डी कॉन्शियसनेस आ चुकी है कंप्लीट, पीस ब्लिस हैप्पीनेस और जॉय में आ चुके हो चूज़ योर हैप्पीनेस ओवर एनी थिंग एक्सेप्ट करें चूज योरसेल्फ, सेल्फ चूज एक्सेप्ट योर सेल्फ ग्रोथ और सक्सेस आ रही है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड बोथ काउंटर पार्ट जो हैं दोनों अपने अपने क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं कंप्लीट कॉन्फिडेंट में आ चुके हैं अब आप दोनों एक हो प्रोजेक्ट लव टू ईच अदर स्टेप अप मैस्लिन की असेंशन स्टेप अप हुई है होलोग्राम शिफ्ट हुआ है डीएफ लव एनर्जी में आ चुकी हैं मिशन वर्क स्टार्ट कर, स्टार्ट हो चुका है आप दोनों का स्परिचुअल गिफ्ट्स पावर्स मिल रहे हैं रिवॉर्ड्स आर कमिंग कंप्लीट हो चुके हो क्वांटम जंप हुई है एंजल्स डिवाइन और यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं गाइड कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं टेलीपैथी इंक्रीज़ की गई है एनर्जी क्रिएटिविटी uh, हर चीज़ इंक्रीज़ की गई है आपकी मूव uh, फॉरवर्ड ये उनके लिए था जिनकी इनर यूनियन हो चुकी है मैं उनको बता दूं जो इस जर्नी में न्यू आए हैं uh, मैं आपको आज बताऊंगी कि ये ट्रिन uh, फ्लेम के स्टेजेस और प्रोसेस जो हैं वो क्या है इसके काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं इसीलिए सारे फेमनाइंस एक साथ नहीं चल रही होती सबकी एनर्जी एक साथ अब मैं कुछ लोगों को बोलती हूँ कि आप बाहर के मैसप्लिनस को थोड़ा uh, वो करें तो प्रोटेक्ट मतलब अभी उनके साथ कॉन्वर्जेसन चेजिंग में ना जाएँ बात ना करें प्रोटेक्ट करें तो ये इसका मतलब ये है कि उनके लिए जो अभी जर्नी में न्यू आएँ क्योंकि उनको अभी हीलिंग करनी होती है फिर असेंशन होता है फिर उनकी टाइम लाइन जंप होती है फिर उसके बाद सोल मर्जिंग होती है फिर उसके बाद बहुत कॉन्शियस और सब माइंड जो है वो वर्क करता है आपके लिए पॉजिटिवली उसके बाद जाके आप सोल मर्जिंग के बाद उसके बाद आपकी इनर यूनियन करा दी जाती है इनर यूनियन के बाद आप कम्प्लीटली बाहर के स्क्रीन पर थोड़ा उन उनको और अपने आप को एक वनस में देखोगे उससे पहले आप जैसे इनर यूनियन भी एक प्रोसेस है एक दिन में रातों रात नहीं हो जाती इनर यूनियन धीरे धीरे स्टेज बाई स्टेज लेसेंस बाई लेस जब फ्लो होती है उसी साइकिल में ना फंसते हो जब लूप से बाहर से स्पाइरल वे में जाते हैं और पर्सपेक्टिव चेंज होती है तब इनर यूनियन कंप्लीट होती है वो भी एक प्रोसेस है वो रातों रात एक दिन में नहीं होती है वो चार पांच हीलिंग साइकिल होता है उसका साइकिल कंप्लीट होता है तभी वो चीज़ें होती है हर चीज़ का एक साइकिल होता है और वो साइकिल कंप्लीट होना होता है हर बार आप अलग पर्सपेक्टिव से ग्रो होते हुए इवॉल्व होते हो आप कंप्लीटली तो इस एनर्जी को आप अगर समझ लो तो आपको पता चलेगा कि कब बाहर के टीएम को अवॉइड करना चाहिए और किस वक्त उनके साथ पॉजिटिवली मोर्च होनी चाहिए और किस वक्त उनके साथ जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए तो ये प्रोसेस है स्टार्टिंग में आप अगर चेजिंग रनिंग में रहते हो तो बाहर के मैस्लिन की अवेक्निंग डिले हो जाएगी तो आप उस वक्त चेजिंग या उनके ऊपर एनर्जी नहीं दे सकते लेकिन बाद में जब आपकी इनर यूनियन करा दी जाती है या सोल मोर्जिंग हो जाती है उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि आप उसके बाद उनको आप इतने हील हो जाते हो और बाहर के मैस्कुलिन भी क्योंकि आप हील हो जाते हो तो बाहर के मैस्कुलिन भी थोड़े स्टेबल हो जाते हैं तो उनका असेंशन चलता है तो एनर्जी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि आप कितने हीलिंग प्रोसेस में हो और आप कितनी एनर्जी दे सकते हो या ले सकते हो तो इट डिपेंड्स जब तक इनर यूनियन या सोल मर्जिंग नहीं हो जाती तब तक आपको थोड़ा उनसे डिस्टेंस बना कर रखना पड़ता है ताकि उनकी अवेकनिंग में डिस्टर्बेंस ना आए यूनिवर्स के काम पर दखलअंदाजी ना हो और आपकी भी असेंशन होती रहे प्रॉपरली तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि आप कौन से स्टेज में हो और कौन सी हीलिंग स्टेज में हो और कौन सी साइकिल हीलिंग साइकिल में हो इस वक्त और क्या क्या आपके ब्लॉकेजेस हैं कैसे उसको रिमूव करने हैं क्या उस ग्रोथ की तरफ जाना है कैसे लूप में ना फंसते हुए स्पायरल वे में जाना है कैसे टाइम जंप करनी है ये अगर इस चीज़ की नॉलेज हो तभी आप इसमें इवॉल्व होते हुए जाते हैं आ, सिर्फ वेट करने से या फिर बिना हीलिंग के सिर्फ एनर्जी ऐसे ही मेंटेन करने से नहीं होता कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है तो आप अपने हीलिंग प्रोसेस के हिसाब से ही बार के मैस्किन के ऊपर फोकस डालना है या नहीं डालना है या उनके साथ मर्जिंग हुई है या कितने स्टेज में हो कितना आप अवॉइड कर सकते हो या कितना आप मिल सकते हो उनके लिए नेगेटिव एनर्जी तो नहीं रख सकते पर आपको सर्टिन बाउंड्रीज पहले शुरू में सेट करने होते हैं बिकॉज उनकी असेंशन होनी होती है तो उसमें आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते आप और दूसरी बात ये भी है कि आप अगर सोल मर्जिंग हो गई और इनर यूनियन हो गई उसके बाद आपको बाहर वाले मैस्प्लिन और आप दोनों सेम ही लगोगे आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो कोई और हैं तो उस स्टेज तक अभी तो आपको लग रहा होगा शुरू में कि कोई और है पर उस स्टेज तक आने के लिए आपको पहले शुरू में थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको खुद ही हीलिंग के इतने प्रोसेस से गुजरना होता है जब दोनों सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस बिहेवियर में शिफ्ट आ जाता है और कम्प्लीटली थ्री से आप जब फाइव में आते हो तभी आप वो एनर्जी महसूस कर पाते हो कि आप दोनों सेम हो तब तक आपको समझ नहीं आता क्योंकि मैं हीलिंग सेशंस देती हूँ मैं महसूस करती हूँ आपकी एनर्जी पिक करती हूँ तो उस हिसाब से आपको गाइडेंस देती हूँ इवन इसमें भी चैनलिंग में देखोगे इनर यूनियन जिनकी हो चुकी है उनके लिए मैं अलग एनर्जी कहती हूँ अलग वे में प्रोसेस में बोलती हूँ कि मैं स्टून के साथ ऐसे उनके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और जो जो अवेकनिंग में शुरू में आए हैं उनको मैं हमेशा बाउंड्रीज सेट करने के लिए बोलती हूँ इसलिए ताकि उनकी अवेकनिंग में भी डिस्टर्बेंस ना हो क्योंकि आपकी हीलिंग होगी तभी उनकी अवेकनिंग शुरू होगी और तब तक आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप उनके साथ रनिंग चेसिंग गेम में लगे रहेंगे तो आपकी हीलिंग डिले होती जाएगी तो इसीलिए आपको अलग वे में मैं आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ हमेशा अगर आपको हीलिंग प्रॉपरली आपकी नहीं हो पा रही है तो स्टेजेस आपका डिले होता जाएगा तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिवली कन्वर्ट करें और सोल मर्जिंग तक जाएं क्योंकि स्टेजेस पे स्टेजेस प्रोसेस बाई प्रोसेस होता है ये नहीं कि एक महीने में हो जाएगा या दो महीने में हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा ऐसा नहीं है ये इसमें आपको हर एक टेस्ट से गुजरना होता है हर एक स्टेज से गुजरना होता है और अपने आप अपने कॉन्शियसनेस को कम्प्लीटली हाई करना होता है एक लव फ्रिक्वेंसी में आना पड़ता है और उसके बाद चीज़ें आपको क्लैरिटी uh, काफ़ी ज़्यादा मिलती है ग्रोथ होती है आपकी रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो उनके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी Uh, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जो लोग इस जर्नी में न्यू आए हैं उनकी अलग एनर्जी है वो लोग अभी ग्रोथ की तरफ जाते हैं और बाकी जो ऑलरेडी जिनकी ग्रोथ हो चुकी है या जो इनर यूनियन तक पहुँच चुके हैं उन उनके लिए एक अलग एनर्जी है अलग वे में वो मैस्किनस को देख सकते हैं तो इट डिपेंड्स कि आप जर्नी में कौन से प्रोसेस में हो कितने हील हो ओके गाइज होप आपको समझ आई होगी बाय टेक केयर